बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास पिक्टोगोनिडा, जिसका सब फाइलम है चेलिसिरेटा, जबकि फाइलम है आर्थ्रोपोडा। लेट्स इंट्रोड्यूस हैं सबसे पहले क्लास पिक्टोगोनिडा की। 1300 से ज़्यादा स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी स्पाइडर्स कॉल्ड पिक्टोगोनिड्स। ये क्यों है? इट्स मीन्स के जो क्लास पिक्टोगोनिडा में सबसे ज़्यादा स्पीशीज सी स्पाइडर्स की ही है। सबसे ज़्यादा सी स्पाइडर्स ही इंक्लूड हैं, सबसे ज़्यादा सी स्पाइडर्स ही रोल प्ले कर रहे हैं क्लास पिक्टोगोनिडा में, ठीक है। इनकी लेंथ 1 मिलीमीटर टू 70 सेंटीमीटर के दरमियान होती है। और अभी रिसेंटली कुछ सी स्पाइडर्स डिस्कवर हुए हैं जिनकी 90 सेंटीमीटर तक भी लेंथ गई है, ठीक है। इनकी बॉडी थिन होती है और स्मॉल बॉडी होती है, और मोस्टली लेग्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। हैबिटेट देखें तो जो सी स्पाइडर्स हैं मोस्टली मेडिटेरेनियन सी में रहते हैं, कैरिबियन सी में और आर्कटिक ओशन में। ऑलमोस्ट ऑल ओशंस में ये पाए जाते हैं। इनमें कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो कोस्टल सैंड में रहती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ डेप्थ वाटर में भी रहती हैं। कोस्टल सैंड क्या है? ऐसी सैंड जो सैंड वाटर जो डीप वाटर होता है उसके और लैंड के दरमियान जो सैंडी एरिया होता है, जहाँ पे सैंड भी होती है और वाटर भी होता है, वहाँ पे कुछ स्पीशीज़ रहती हैं। इनका लेग स्पैन है जो 1 इंच है, जबकि जो डेप्थ वाटर में रहती हैं उनका लेग स्पैन 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखते हैं। बॉडी इनकी टू पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है, ठीक है, टू वेज में डिवाइड होती है। फर्स्ट है प्रोसोमा एंड सेकंड वन इज ओपिस्थोसोमा। ये ऑलमोस्ट क्लास सब फाइलम चेलिसिरेटा की आज हम फोर्थ क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये सारी क्लासेस में बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब तो सबको याद हो जाना चाहिए ना। फर्स्ट है प्रोसोमा एंड सेकंड डिवीजन है एपिस्थोसोमा। प्रोसोमा मीन्स सेफेलोथॉरिक्स। सेफेलोथॉरिक्स मीन्स सेफेलोन और थॉरिक्स जब फ्यूज करते हैं तो उसे सेफेलोथॉरिक्स कहते हैं। सेफेलोन मीन्स हेड, हेड और थॉरक्स फ्यूज करते हैं, सेफेलोथॉरक्स में आते हैं और उससे ही हम प्रोसोमा भी कहते हैं, ठीक है। और एपिस्थोसोमा मीन्स अबडोमिन। बॉडी के टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपेंडिसेस की अगर बात करें तो जो मोस्टली सी स्पाइडर्स हैं उनके पास 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, लेकिन कुछ सी स्पाइडर्स हैं जो उनके पास 5 पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं और कुछ में 6 भी होते हैं, 6 पेयर भी होते हैं वर्किंग लेग्स के, ठीक है। सम में है सबसाइडरी लेग्स ओविगर्स। ओविगर्स क्या है? ये लेग्स होती है मोस्टली मेल्स में, मेल्स ही स्पाइडर्स में ये लेग पाई जाती हैं, जो कि कैरी विच हेल्प टू कैरी डेवलपिंग लेग्स। ये मेल्स में ओविगर्स होते हैं, फीमेल्स में ये लेग्स हॉल होती हैं और इनमें एग्स एग्स से फील्ड हुई होती हैं ये लेग्स, ठीक है। बहुत से मेंबर्स क्लास पिक्टोगोनिडा के उनके पास चेलिसिरेटा और पेडिपल्स भी होते हैं, ठीक है। ये पेडिपल्स और ये चेलिसिरेटा, ठीक है। फीडिंग देखें तो मोस्टली कार्निवर्स होते हैं, फीड ऑन वॉर्म जेली फिश एंड स्पॉन्जेस एंड अदर क्रस्टेशंस, ठीक है। ये एक और बात के ये विनोमियस होते हैं और ये अपने प्रे पे विनोम सिक्रीट करते हैं प्रे को किल करने के लिए, और फिर इनके पास प्रोबोसिस होते हैं ये प्रोबोसिस ये एक ट्यूब होती है, सकिंग ट्यूब, जिसके थ्रू जिससे ये माउथ के थ्रू जो इन्होंने प्रे किल किया होता है उसके की बॉडी से जूस को सिक्रीट करते हैं, जूस को सक करते हैं, ठीक है।
एक्सक्रीशन की बात की जाए तो इनमें मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है गैलाग से वो एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो ब्रांचेस की फॉर्म में लेग्स में चला जाता है, ठीक है, लेग्स में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम भी लैग करते हैं ये, लेकिन इनमें गैसेस अब्जॉर्ब होती हैं लेग्स के थ्रू और फिर डिफ्यूजन से पूरी बॉडी में ये पास कर जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, यूज कर जाती है। सी स्पाइडर्स की 1500 स्पीशीज डिस्कवर हो हुई हैं और इनके पास 2 पेयर ऑफ आइज होती हैं। कुछ के पास तो कुछ स्पाइडर्स के पास 4 पेयर ऑफ आइज भी होती है और इनकी विजन बहुत अच्छी होती है। हैव प्रोबोसिक्स फॉर सकिंग एंड आर विनोमियस। विनोमियस मीन्स कि ये विनोम से क्रिएट करते हैं प्रे को